बेटा ओए ओए ओ तेरी बाबा खुश रहे उठ बैठ प्यारा बच्चा है लो प्यारा बच्चा कहाँ से हो सुनाम छे खुश रहो बेटा सीताराम जय सियाराम कल्याण हो बहुत अच्छा बनाया आओ किसका पावन सुनाम छे ओहो कहाँ रहते तमे कहाँ ओ अहमदाबाद में कहाँ अहमदाबाद में हाथेश्वर पुलिस लाइन ओ पहली बार आए हो पहली दा हाँ पहली बार आप मिले हैं आई एम सॉरी पढ़ते हो यति से क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी मैं छीनियल तेजी में हूँ बाबा बनोगे कि शादी करोगे शादी तो लेने पर आवे नहीं आवे जोते ही हैं अच्छा ठीक है सर आज हमको शादी का कार्ड देना खुश रहो खूब पढ़ना नाम रोशन करना है आओ बहुत सुंदर हनुमान जी हैं लाओ आओ लो बेटा खुश रहो आओ हाँ माता जी सू ओ तमें खुश रहो तमें कहाँ रहो जी माँ हो हे भगवान कैसे ओ माँ तो कल भी कथा सुन करके जाएंगी थोड़ा सामान सुरक्षित रखना आप एक तो बहुत भोली हो ओ कुमारी मीनाक्षी करुणा शंकर व्यास तो तमें मुंबई रहो जी तमें केम छो आप आओ ना ना नको बाबा अकेले एकला आ सकते हैं एकला बागेश्वर धाम आवजो हाँ खूब खुश या कोरा डायरी छे कोरा छे हाँ कल्याण हो खूब भक्ति आपकी बढ़े तमें खुश रहो और धाम आओ लो एकला आओ नो प्रॉब्लम ओ आपको बुलाया था यस हम आपका बबूती दे देते हैं अभी हैं तुम धाम भी आओ तुम्हारा हो जाएगा सफल होगा हाँ अरे वाह ठीक है आशीर्वाद हाँ बेटा वहीं से प्रणाम कर लो माता हाँ आ जाओ नमस्ते कैसे हो बाबा बापा सीताराम कैसे हो बापा आपने पुस्तक लिखी कौन सा अच्छा अच्छा पावन चरित्र लिखा आपने ये सुन जी अरे वाह बहुत सुंदर बाबा तुम्हें कृपा बनी रहे और धाम आओ एक बार हैं बापा सीताराम सीताराम कैसा है पगला खुश रहो रख दो कल्याण हाँ बुलाया था फिर बाद में गुरुजी ने मना कर दिया कहाँ से हो आप ओ आज्ञा तो लगी थी पक्का बागेश्वर धाम नहीं आ सकते आप वही तो अर्जी आपकी लगी तो थी और हम आपको हमने वहां से बुलाया था वही होना तो कहाँ रहते विदेश में युगांडा युगांडा ईस्ट अफ्रीका चलो आप दो मिनट बैठो अगर आगे आ जाती है फिर भी हम पर्चा बनाने की कोशिश वैसे दरबार पूरा हो चुका संभव है हम करते हैं कोशिश वहां बैठ जाओ कौन लाए बिटिया लाई आ जा बेटा आ जा आओ बहन अच्छा अच्छा खुश रहो ठीक है कल्याण हो तुम्हारा उठ जाओ बेटा आओ बापा बापू आओ आओ बापू जय सियाराम हाँ आप लोग भी आ जाओ
बापू कहाँ से हो? राम जी मंदिर, समारा प्रताप मंदिर बनी गई राम जी मंदिर। ओ राम जी मंदिर, वाह वाह। एक बार हाँ बाप। अच्छा बापू बापू ऐसा मत करो बापू, आपका खूब नाम बढ़े। मूर्ति प्रतिष्ठा 2-4 हो जाओ। वो आई थी बाबा, अब हमें याद आ गया। अब तो हो गया, हमें याद आ गया पूरा। हमारे पास पत्र गया था, चिट्ठी भी हमें मिली थी। खूब भक्ति बने और खूब लोग वहाँ आवे, सबका कल्याण होवे और रामानंद अमरधाम सेवाश्रम। हाँ बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। आप कथा में कल आओ, तमें चिंता ना करो, आशीर्वाद बजाओ वहाँ पर। वो युगांडा वाले कहाँ गए? सुन लो माए, बाहर से आया है, विदेश से आया है। हाँ ये माता जी की माला ले लेना। क्या क्या चाहते हो? वैसे ज्यादा प्रश्न नहीं आए हैं हमारे पास। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, संतान कामना, पैर की पीड़ा, संतान हो जाएगी 100% आशीर्वाद। धाम आना पड़ेगा, लेकिन पक्का ना धाम का निकल। चलो अब तो रहने का, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सी जाओ, तो मैं बैसी जाऊ। बताओ क्या अर्जी लेकर के दरबार में आप आए हैं, बालाजी से क्या समाधान चाहते हैं? सर हमारा पूरा घर परेशान है, तबीयत मम्मी पापा का खराब रहता है जी, दवा पे चलते हैं हमेशा। अच्छा इसमें एक रहस्य आया है पर पूरा नहीं आ पाया हम, कारण समझ भी नहीं पाए। सन्यासी बाबा ने डिटेल नहीं हमें दिया, अकाल मृत्यु भर लिख कर छोड़ दी। किसकी हुई? मेरे लड़के का। ओ कितने साल का? तो आपने कोई जांच बांच या कुछ ऐसा समझ में नहीं आया? नहीं, कोई बात ठीक है, एक प्रश्न और पूछो। सर मम्मी पापा का तबीयत खराब रहती है और मुझे चाहते सब कुशल रहे, तो सब परिवार सही रहे। परिवार ठीक रहे, काम काज में दिक्कत है, 5 साल से बीमारी है, टोटका विद्या किया गया है, टोटका के कारण सभी को उठा पटक मची, माँ को कंपन बनता है, बेचैनी होती है, सवारी आती है, पिता को पैरों में दिक्कत बन जाती, जकड़न हो जाती, अकाल मृत्यु हुई है नन्हे बालक की जन्म बाद। अब एक बात और सुन, राम जय सिया राम साधु जी। अच्छा आपने 3-3 अर्जी लगा दी बता रहे हैं 3 अर्जी लग गई भाई साहब तुम्हारी। बहुत विचित्र आदमी भी हो यार तुम, कमरा में भी लगा दी तुमने, कमरा में भी, अलमारी में रखे आए अलमारी में रखी, अखबार रखा है वहां पर। बालाजी सरकार की, बागेश्वर धाम की। बहन सुबह ही फोन की थी, भैया मैं अब घर से भी आपको फोन लगा वो अर्जी लगा रही हूँ, आपको लगेगा। और बहनों भी वो भी कुछ बोली थी मेरे बारे में, कुछ भी हार गए काय में हार गए पता नहीं, बताते नहीं। हाँ उनकी भी अर्जी लगी है, ये आपके लिए गुरुजी का कहना है, आप अपने घर पर मूल भागवत का पाठ करवाओ। मूल भागवत के पाठ करवाने से ये बाधा हट जाएगी, हम तो उपाय कर ही देंगे, लेकिन मूल भागवत से आपके कुल देवता बलवान हो जाएंगे, क्योंकि माँ को बहुत दिक्कत बना रहा है सबसे ज़्यादा। तीन बार पथरी का ऑपरेशन हो गया, उनका एक किडनी
हाँ, अरे राम राम, बहुत बीमार है, इसमें ऐसा भर आया है जितना हम हमारे पास आया, हम तो उतना ही बोल पाते हैं। और बाकी गुरु जी कह रहे जाओ, आज के बाद तंत्र विद्या के कारण बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम।